तकरीबन हर इंसान की फितरत है कि जब वो खुद दूसरों से अच्छा कमा रहा हो तो ये सोचना शुरू कर देता है कि वो जरूर दूसरों से ज्यादा मेहनती, चालाक और ऑर्गेनाइज्ड है और अपने काम में ज्यादा माहिर है। फिर वो इन लोगों को हकीर समझना शुरू कर देता है। जिनको नपातुला रिज़्क मिल रहा है उन पर तनकीद करता है, उनका मजाक उड़ाता है, मगर जब वक्त का पहिया उल्टा घूमता है तो इसको पता चल जाता है कि हकीकत इसके बरक्स थी, वो जो समझ बैठा था वैसा नहीं था। अगर कोई शख्स चाहता है कि उसे रिज़्क के मामले में आजमाया ना जाए तो वो ये तीन काम करे। नंबर एक, जो कुछ मिल रहा है उसे महज मालिक की अता समझे, ना कि अपनी काबिलियत का नतीजा, और साथ ही मालिक का शुक्र भी बजा लाता रहे। नंबर दो, जिनको कम या नपातुला रिज़्क मिल रहा है उन्हें हकीर ना जाने, ना उन लोगों से हसद करे जिनको छप्पड़ फाड़ अल्लाह ताला रिज़्क मियसर कर रहा है। ये सब रज़्ज़ाक की अपनी तकसीम है, उसके भेद वही जाने। नंबर तीन, जितना हो सके अपने रिज़्क में दूसरों को शामिल करे, ज्यादा है तो ज्यादा, कम है तो कम शामिल करे। सबसे ज्यादा हक वालिदैन और रहम के रिश्तों का है, नाना नानी, दादा दादी, बहनें और भाई हैं, इनके बाद खून के दूसरे रिश्ते हैं, जैसे खाला, फुफी, चचा, मामू, चची वगैरह, फिर दूसरे करीबी रिश्तेदार या मस्कीन लाचार लोग। यकीन रखें कि जब बहुत से दुआ के हाथ इसके हक में उठेंगे तो बरकत मौसलाधार बारिश की मानिंद बरसेगी, जिसकी ठंडी फुहार इसकी जिंदगी को गुलशन गुलशन बना देगी। कोशिश कीजिए कम खाइए और दूसरों को ज्यादा खिलाइए, क्योंकि खा लिया तो गंदगी, खिला दिया तो बंदगी। जिंदगी आमद बराए बंदगी, जिंदगी बेबंदगी शर्मिंदगी, बंदगी कुन बंदगी कुन बंदगी कुन।